आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग को पता होगा कि मैंने 2-3 महीने पहले एक व्लॉग बनाया था वस्त्राल जाके मेट्रो ट्रेन का, जस्ट 2-3 स्टेशन तक जाती थी, लेकिन फाइनली पूरा जो रूट है वस्त्राल गांव से लेके थलतेज गांव तक वो स्टार्ट हो चुका है एंड मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं थलतेज में ही रहता हूँ, मेरे घर से करीबन 200-300 मीटर ही दूर है मेट्रो स्टेशन। सो इस व्लॉग में पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ अहमदाबाद की मेट्रो की, थलतेज गांव से वस्त्राल गांव तक। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब इतना लॉन्ग रूट पहली बार मैं मेट्रो में सफ़र करने वाला हूँ। सो अभी बस मैं निकल रहा हूँ एंड चलिए काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी चीज़ें जानने मिलेगी इस ब्लॉग में, तो बस देखते रहिए मेरे साथ एंड चलते हैं सीधा मेट्रो स्टेशन। चलिए टोकन ले लिया है हम लोगों ने, थलतेज गांव से वस्त्राल जा रहे हैं हम लोग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा जर्नी होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी होने वाली है, फर्स्ट टाइम अहमदाबाद मेट्रो की। सो चलिए अभी चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग पूरी जर्नी के लिए एंड मेन तो अंडरग्राउंड में जाएगी तो मज़ा आएगा भाई, की पहली बार नहीं है। तो ये शाहपुर स्टेशन आया है अंडरग्राउंड। ये अभी घी काटा पहुंची है, शाहपुर से अंडरग्राउंड ही है एंड तक कालूपुर तक एंड। तो अभी कालूपुर मेट्रो स्टेशन आया है, यहाँ पे अंडरग्राउंड ही है। तो अभी हम लोग अप्रैल मंथ पहुंचे हैं, वहाँ से जाएंगे वस्त्राल, एक तो स्टेशन ही दूर होगा। तो अपने भी चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं यहाँ पे KHAVAS यही। चलो भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, भाई थैंक यू। सो अभी हम लोग पहुंचे हैं रबारी कॉलोनी, यहाँ से करीबन 2 स्टेशन बाद वस्त्राल गांव का स्टेशन है, अभी देखते हैं। सो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी आने वाला है तब जाके आपको स्टेट में। अभी तो हमारे फ्रेंड्स को कॉल भी आ रहे हैं अभी निलान से, अभी लास्ट वाला इसके बाद लास्ट वाला तो आप आएगा वहाँ पे। हम
अभी हम लोग फाइनली स्टेशन पे पहुंच गए हैं। आपको टाइम कितना लगा है? मैं तो देखा ही नहीं टाइम। आधा घंटे से ज्यादा, एक मिनट भी नहीं हुआ। आधे घंटे से ज्यादा तो नहीं होगा, आधे घंटे से कम हुआ होगा। लेकिन देख, मैंने निकला, मैंने टाइम देखा था, तब 5:25 ऐसा कुछ था, अभी 5:41 हो रहा है। मतलब आधे घंटे से भी ज्यादा कम टाइम में हम लोग हलते से वस्त्रा आ गए। अगर ऐसे हम लोग निकलते ऑटो में या बस में या अपना पर्सनल व्हीकल भी लेके निकलते, 30 सेकंड स्टॉप लेती है मेरे ख्याल से। मैंने देखा 30 सेकंड स्टॉप लेती है एक स्टेशन पे, 30 सेकंड एक मिनट तक का, एक मिनट तो नहीं लेती। स्टेशन से अभी हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा, ये टोकन स्कैन करके बाहर निकलेंगे हम लोग, एग्जिट होंगे। तो इसके लिए भी इतनी भीड़ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अभी हम लोगों ने वस्त्राल से फिर से टोकन ले लिए है थलतेज जाने के लिए। मेरा तो टोकन एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे, इसका स्कैन ही नहीं हो रहा, बता इनवैलिड टिकट बता रहा है हितेश का। अभी हम लोग कुछ नहीं वेट करते हैं, ट्रेन आती है तो हम लोग सीधा बैठ जाएंगे वस्त्राल से, सीधा हम लोग हमारे घर पे थलतेज उतर जाएंगे, बराबर ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है थलतेज वाली जो मेट्रो है वो करीबन 8 मिनट के बाद आएगी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये है स्टेशन, उधर आप लोग उधर होना होगा।